मोदी जैसे आए ना वैसे ही चले जाएंगे, एक दिन घंटी बजा के थाली बजा के चले जाएंगे मोदी जी। जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था, सब्सिडी 150 रुपए जाती थी घरों में, लोग खुश हो गए, चलो सब्सिडी के पैसे साल भर में हमारे पास ऐसे इकट्ठे हो गए। इतनी दवाइयाँ नकली आ रही है, ये दिल्ली में नहीं पूरे भारत में, और पोस्टर में निकला है मोदी की दवा लो सस्ती है। सस्ती का मतलब क्या है और महंगी का मतलब क्या है, आदमी को कंफ्यूज किया जा रहा पूरी तरह से, देश में ताकत दुरुपयोग किया जा रहा, पहले ऐसा नहीं होता था। मोदी जी सोचते हैं कि सारा सब कुछ हमारे हाथ में आ जाए और इनको परेशान किया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए, चुनाव हो ही ना। फिर कोरिया में जाइए, किम जोंग है ना, वहाँ पर कोई टीवी नहीं दे सकता, कोई पिक्चर हॉल नहीं है वहाँ पर, तो वही ये देश में कर रहे है, वही ये चाह रहे है कि ये पूरा ये लोकतंत्र खत्म हो जाए, सिर्फ हमारी चले। अब भी बहुत बड़ा बदलाव है, बार बार थोड़ी नहीं कि लड़का पैदा हो रहा है, रोज रोज मोदी जी आ जाएंगे। क्या बदलाव होने वाला? मोदी एक वायरस है जो सबके दिमाग में घुस चुका है, वो निकल नहीं रहा है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, एक वायरस है और क्या, एक वायरस है। मंत्री है जिसे कोरोना था ना, आया और चला गया, वही तरह मोदी भी एक कोरोना है, आया और चला जाएगा एक दिन। ये बात ध्यान रखिए, आपकी जाने वाला है। ये जैसे कोरोना आया था ना और चला गया, रुक गया, जैसे कोरोना आया था और चला गया, वही तरह मोदी जैसे आए ना वैसे ही चले जाएंगे एक दिन, घंटी बजा के थाली बजा के चले जाएंगे मोदी जी। का मुद्दा यही है कि लोकतंत्र की हत्या, कोई महंगाई है सबसे बड़ा मुद्दा यही, लोकतंत्र की हत्या। क्या हत्या है? अरे हत्या आपके सामने है, अजीत पवार के घर में ईडी के संबंध जाता है और वो दूसरे दिन बीजेपी को शामिल कर ले हो जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ये क्या चल रहा है? भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो रही है? भ्रष्टाचारी बहुत है, केजरीवाल भी है बहुत है, मोदी की पार्टी भी बहुत है, मगर ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये अपने आदमी को छुपा रहे चोरी करने से, उनके आदमी जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं उनको छुपा रहे, दूसरी पार्टी के लोगों को 55 करोड़ का कर्जा था, आज 205 करोड़, 210 करोड़ रुपए का कर्जा हमारे देश में, 210 लाख करोड़ रुपए का। कांग्रेस पार्टी भी तो लिया है देश में, वही से विकास किया है, वही से सारे ठेकेदारों लोगों नोटों कमाया, बड़े लोगों का विकास हुआ, गरीब का कोई विकास नहीं हुआ, गरीब और गरीब हो गया है। एजुकेशन इतना महंगा, दवा इतनी महंगी, सही सलामत है, इतने महंगे सब चीज हो जा रहे, खान पान की चीज महंगी होती जा रही है। जवाब मांगा गया है और वो जवाब दे कि कितना पैसा फंडिंग हो रहा है मोदी के ये चुनाव में, ये इसको दिखलाए, देश देखना चाहती है। कह रहे चंदे का धंधा, 2014 में 20,000 करोड़ रुपए फंडिंग हुआ मोदी का। भैया कितनी दवाइयाँ नकली आ रही है, ये दिल्ली में नहीं पूरे भारत में, और पोस्टर में निकला है मोदी की दवा लो सस्ती है। सस्ती का मतलब क्या है और महंगी का मतलब क्या है, आदमी को कंफ्यूज किया जा रहा पूरी तरह से देश में। जब भी कोई मुद्दा आता है तो कोई ना कोई ड्रामा होने लगता है मीडिया में। आजकल सोशल मीडिया का समय है, पहले काम होता था ऐसे पूरी दुनिया में नहीं दिखाया जाता था। सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस ने कई बार किया है मगर किसी जनता को बताया नहीं है। मोदी जी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है, कांग्रेस ने बहुत सर्जिकल स्ट्राइक किया है हमारे पाकिस्तान के अंदर, घुस के भी उल्लू बिल्लू में मारा, ऐसी बात नहीं है। मगर जो मोदी जी जुमलेबाजी काम कर रहे हैं, ये देश बहुत अब नहीं विश्वासता का दुरुपयोग किया जा रहा, पहले ऐसा नहीं होता था। अब ये तो सारी ये मोदी जी सोचते हैं कि सारा सब कुछ हमारे हाथ में आ जाए और इनको परेशान किया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए, चुनाव हो ही ना, ये सोचते चुनाव हो ही ना। जैसे कि आप दक्षिण कोरिया में जाइए, किंग है क्या नाम है उनका, किंग जोंग है ना, वहाँ पर कोई टीवी नहीं दे सकता, कोई पिक्चर हॉल नहीं है वहाँ पर, वहाँ के लोग देश से भाग नहीं सकता, तो वही ये देश में कर रहे है, वही ये चाह रहे है कि ये पूरा ये लोकतंत्र खत्म हो जाए, सिर्फ हमारी चले। मोदी ने क्या उबाड़ा 25 करोड़ को गरीबों को, अरे 81 करोड़ को गरीबों को राशन दे रहा है तो कहाँ से 25 करोड़ को उबारा है? भैया गरीबी बढ़ी कि घटी हमको ये बताओ। अब वो कह रहे मैं 81 करोड़ को दे रहा हूँ राशन, अच्छी बात नहीं है 81 करोड़ राशन देना। अरे भैया हम कह रहे गरीबी जब तो दे रहे ना, वो मान के चल रहे ना कि पहले 25 से मैंने 81 करोड़ गरीब को बना दिया गरीब, जो आदमी कभी कंट्रोल का मुंह नहीं देखा था वो कंट्रोल का मुंह देख रहा है, क्यों देख रहा है? वो जान रहा है कि कुछ ना कुछ चलो मिल जाए। आदमी जिस महंगाई से जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था, सब्सिडी 150 रुपए जाती थी घरों में, लोग खुश हो गए, चलो सब्सिडी के पैसे साल भर में हमारे पास ऐसे इकट्ठे हो गए। औरतें लोग सोचती थी 200 रुपए कम तो किया मोदी जी ने, 200 रुपए सब दिखावा है। चुनाव के समय में राम मंदिर का उद्घाटन कर देते हैं, केजरीवाल को अंदर कर देते, 200 रुपया गैस में कम कर देते हैं, अभी चुनाव आएगा तो 1500 का गैस हो जाएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, देख लेना। जब 400 पार हो तो इतना क्यों फड़फड़ा रहे हो तुम? बैठ जाओ ना चुपचाप घर पे, क्यों इतना फड़फड़ा रहे हो? चुनाव मत चंदा लो, मत प्रचार करना, बैठ जाओ घर पे, 400 पार हो जाएगा।
ये मीडिया वाले ने पता नहीं कौन सा बात को पकड़ रखा, कहा जाए कह रहे, ये क्या है ड्रामा, कहा जा कह रहे। अरे आप लोग भी तो कम से कम ऐसा बोलिए ना, दोनों पक्ष पे बोलिए ना, सबका विचार सुनिए ना। गारंटी है मोदी जी कल जिंदे रहेंगे, गारंटी है ये बताओ। अभी हार्ट अटैक पड़ जाए, मर जाए तो गारंटी कोई चीज का नहीं है, किसी की नहीं है मरने की। सब कुत्ता है, वहाँ लिखा हुआ है सब कुत्ता है, मगर ये भी तय है, कोई जरूरी नहीं कि तय है, ये समझ लीजिए। हम कह रहे विपक्ष, विपक्ष कमजोर रहे, विपक्ष खत्म हो जाए क्या करे यहाँ, फिर मतलब कि पूरा एकदम लोकतंत्र खत्म हो जाए, कोई इनसे जवाब पूछने वाला रहे। पवार को देख लो ना यार, फिर 70,000 BSNL का टावर था देश के अंदर, आज किसके पास है वो टावर? ये मोदी जी के आने से ऐसा हुआ ड्रामा। 2014 के बाद BSNL का टावर, कहते जी ला दिए, 4G ला दिए, 5G ला दिए, इसके लाने से क्या हो रहा है? इसको लाने से फायदा हो रहा है पैसे वालों को, जो कंपनी चला रही है एक टावर लगा के नोट दिन रात छाप रही है, 74 करोड़ का डांसर बुलवा के देश में नचवा रहा है। कौन नचवा रहा है? अंबानी, अडानी, ये सब क्या है? अडानी के पास में 1,00,000 करोड़ था 2014 में, अभी उनके पास 8,00,000 करोड़ रुपया है, इतनी तेज पैसा बढ़ रहा है। ये बताइए फॉर्चून तेल किसका था? फॉर्चून जो तेल आता है सरसों का, वो किसका तेल है आप बताइए? अडानी का है। ये पहले अडानी का नहीं था ये तेल, ये पहले 70 रुपए लीटर था ये तेल, आज 180-190 रुपए लीटर हो गया है। मोदी जी का पैसा भी, जब ये सत्ता जब आ रहे हैं इनके घर से भी पैसा निकल आएगा, ये मत समझिए कि ये ईमानदार है योगी मोदी अमित शाह, जब सत्ता जब बाहर हो गए इनके घर से भी पैसा निकल आएगा। काम कहाँ कर रहा है? गरीबों को तो मार रहा है, कहाँ खुश है? कौन सा गरीब खुश है? मोदी तो कहता कोई गरीब नहीं है, मोदी तो कहता कोई गरीब नहीं है। न्याय का हक मिलने तक।